मैं पुरुषोत्तम कुमार आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कार्तिक शर्मा 2161 में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट थर्ड है, तो इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना, कैसे बदलते हैं। चलिए देखते हैं, फार्मूले के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रूल्स दिया गया है, जैसे कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो जब साथ में यानी कि विलोम शब्द के साथ में नॉट लगा करके हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और समझना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव आपको चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव भी बना लेना है और उसका अर्थ चेंज किए बिना, बिना अर्थ बदले ही आपको नेगेटिव बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो नेगेटिव इसका बनेगा जा करके सीता का हम सीता वैसे रखेंगे और इज हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा लेना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज है इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, और फिर जो आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव जो है जो कि गर्ल की विशेषता को प्रकट करता है, तो इसका हम अपोजिट वर्ड मतलब कि एंटोनिम्स यूज करेंगे, हम विलोम शब्द यूज करेंगे। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स होता है अगली, तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल्स यूज कर लेंगे, आर्टिकल्स आपका रहेगा एन अगली के अकॉर्डिंग और फिर द गर्ल। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव जो बनेगा वो हो जाएगा सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, मतलब सीता एक बदसूरत कुरूप लड़की नहीं है। तो यहाँ पर कुरूप लड़की नहीं है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग था उसी का अर्थ यहाँ पर निकलेगा नेगेटिव सेंटेंस से भी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस बताया गया है, यह सेंटेंस दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लव्स ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बन के आएगा, तो ही का ही हम लिख लेंगे, लव्स जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा गया है, तो यहाँ पर यह होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार हम नेगेटिव में डू या डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और लव्स जिसका एंटोनिम्स होता है हैट, तो यहाँ पर हैट यूज कर लेंगे एंटोनिम्स इसका, और ड्रिंकिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह भी नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस दिया गया है आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, तो यहाँ पर इसको हमें नेगेटिव बनाना, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव जो बनेगा, तो यहाँ पर जैसे कि वाज आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आई को वैसे ही रखना है, वाज के बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है ये, तो इसके बाद नॉट लगाना है, और डाउटफुल का एंटोनिम्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो डाउटफुल का एंटोनिम्स होता है श्योर, तो श्योर हम यहाँ पर यूज कर लिए हैं, और उसके बाद में वेदर का वेदर और ही वेंट देयर वैसे का वैसा, तो इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस निगेटिव कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट रूल्स आपका दिया गया है सेकंड नंबर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर निगेटिव बनाना, इसमें नॉट लगा हो तो हटेगा, ना लगा होगा तो लगेगा, मतलब कहने का ये अर्थ है कि डिग्री कंपैरिजन में जो भी सेंटेंस आएगा तो इसमें आपको करना क्या है, दो फार्मूले दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आपका किसी भी सेंटेंस में मतलब सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और पीडी मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पर अगर सेंटेंस में नॉट आता है तो आपको हटा देना है वहां से, अगर नहीं आया है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझ लेते हैं। तो ये आपका
सीडी मतलब कंपरेटिव डिग्री का फॉर्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद देन, और देन के बाद नाउन का यूज किया जाता है। कंपरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हमें क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट कंपरेटिव डिग्री का नाउन जो होता है वो पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में एज और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, फिर एज और कंपरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट लास्ट में हम लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि राम इज वाइजर देन मोहन। तो इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन जो कि कंपरेटिव डिग्री का कंपरेटिव डिग्री का नाउन था, तो उसको हम पहले यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, और मोहन के अनुसार इज हमने लगा लिया हेल्पिंग वर्ब, और इसमें देखिए नॉट नहीं आया था तो निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर हम नॉट यूज करेंगे, फिर एज और फिर वाइज एज राम। तो इस प्रकार से आपका पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव कंपरेटिव से पॉजिटिव में निगेटिव बन सकता है, और आपका पॉजिटिव से भी निगेटिव अगर बनाना है तो वो भी बन सकता है इजिली। अगला सेंटेंस आपका यहाँ पर दिया गया है योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। अब देखो ये यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है या पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यू को यहाँ पर हम लेकर आएंगे, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया मैंने और नॉट लगा करके, इसमें नॉट नहीं था तो इसलिए हम नॉट यूज कर लेंगे, और आपकी कंपरेटिव डिग्री वाइज की कंपरेटिव डिग्री वाइजर होती है तो वो यहाँ पर यूज कर लिया है, और एज जो है ये हट जाएंगे कंपरेटिव डिग्री में, इसकी जगह पर देन का यूज करते हैं तो देन यहाँ पर आ जाएगा, और योर ब्रदर जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट था तो उसको हम लास्ट में देन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये निगेटिव कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया जिन वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द आए तो निम्न फार्मूला अपनाए। जैसे कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में कहीं भी ओनली शब्द या अलोन शब्द देखने को मिलते हैं तो उसका निगेटिव बनाते समय आपको क्या करना है, शुरू में सब्जेक्ट से पहले आपको नॉन बट का यूज कर लेना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार वर्ब लगानी है और अदर वर्ड आपको यूज। चलिए इस फार्मूले को हम एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल दिया गया है जहां जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल आपका सोहन एलोन गॉट द प्राइज। तो यहाँ पर आपका देखिए अलोन आ गया है या ओनली होता तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको हटा देना है यहाँ से, और यहाँ पर सब इससे पहले नॉन बट सोहन से पहले नॉन बट का यूज कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बताया गया है नॉन बट सोहन गॉट द प्राइज, तो अलोन को यहाँ से हटा दिया गया है और सब शुरू में ही सब्जेक्ट से पहले नॉन बट का यूज कर लिया गया, फिर सोहन और वर्ब की सेकंड फॉर्म गॉट द प्राइज का द प्राइज। तो इस प्रकार से आपका निगेटिव भी कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। तो आपको करना क्या है, ओनली यहाँ से रिव्यूम करना है और इसकी जगह पर क्या जोड़ देना है, आपको नॉन लगा करके बट यूज करना है बस। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा नॉन बट ए फूल कुड हैव डन इट। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, नॉन का यूज हम ओनली को हटा करके रिमूव करके हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था टू रिमूव करने को, तो टू की जगह पर इस वाले टू को जब हम हटाते हैं तो सो यूज करते हैं, और फिर बीच में यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है तो यहाँ पर एडजेक्टिव आता है कंजंक्शन के रूप में दैट, फिर टू से पहले आए हुए और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आ जाएगा कुछ भी, और यहाँ पर टेंस के अनुसार जैसे टेंस आपका पास्ट में है सेंटेंस जो, तो यहाँ पर कुड आएगा, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करते हैं तो कुड नॉट कैन नॉट का यूज करना है, और उसके बाद में वर्ब
आदि में बदलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया ही इज टू वीक टू रन, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो कंप्लीट होगा वो हो जाएगा ही को ही रखेंगे, इज का इज, टू को हटा करके यहाँ पर हम सो लगाते हैं, सो लगा लिया मैंने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका वीक जो है एडजेक्टिव आ गया, और इस वाले टू को हटाना है तो इससे पहले हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। कंजंक्शन मैंने दैट का यूज कर लिया है। फिर आपका इसमें जो सब्जेक्ट आया था ही, तो मैंने यहाँ पर भी ही कंजंक्शन के बाद में भी यूज किया है। फिर कैन नॉट का यूज कर लिया है, इज आया है तो कैन नॉट, और यहाँ पर अगर वा जाता इज के स्थान पर तो आपका यहाँ पर कुड नॉट हो जाता। तो यहाँ पर मैंने कांट यूज कर लिया है और रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ही वाज टू पुअर टू बाय अ कार। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको टू को हटाएंगे सो आ जाएगा, और इस टू को हटाएंगे तो यहाँ पर दैट लगा करके, और ही का ही यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में कुड का यूज करेंगे, और उसके साथ में नॉट, और लास्ट में बाय ए कार है तो बाय ए कार नॉट के बाद वैसे का वैसा हम रख लेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आपका ही वाज यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह पर ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय अ कार। इस प्रकार से आपका नेगेटिव सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो जाएगा। रूल नंबर फिफ्थ आपका दिया गया है एज सून एज वाला। तो एज सून एज का नेगेटिव कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं इसका। जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो एज सून एज को हमें क्या करना होता है, नो सूनर में परिवर्तित करना होता है, और ये इंट्रागेटिव बनता जाके है। आपका सेंटेंस जो बनेगा वो इंट्रागेटिव बनता जाके। तो यहाँ पर क्या होता है, नो सूनर को पहले हम लगाते हैं, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट आपका आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और दो सेंटेंस होते हैं तो कॉमा को हटा करके, यहाँ पर ये जो कॉमा आ रहा है इसको हटा करके हम देन का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के सहायता से हम समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज सून एज आया है तो एज सून एज को हटा देना है, इसकी जगह पर हमें क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है, नो सूनर यूज कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद में डिड यू आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर सब्जेक्ट आया तो आई, यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई लगा लेंगे, और सा जो कि आपका सेकेंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको, सी हो जाएगी। बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा, यहाँ पर इन्वर्टर काम हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा बस, और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रन अवे। तो यहाँ पर नो सूनर जो आया है ये एज सून एज के स्थान पर आया है, और उसके बाद डिड, और आई को डिड के बाद कर दिया गया सा, जो कि आपकी वर्ब है सेकेंड फॉर्म, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है, टाइगर के बाद में कॉमा है तो इसमें देन यूज कर लिया गया, और सेकेंड सेंटेंस जो होता है जैसा है वैसा ही लिखते हैं उसको हम। सो गाइस, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका दिया गया है डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं। जैसे कि फॉर्मूला आपको दिया गया है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फेल टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऐसे आपको इस फॉर्मूले पर यूज करना है सेंटेंस। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को भी एग्जांपल की सहायता से हम समझ लेते हैं। तो एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पर एग्जांपल, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई जो कि आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद में डिड नॉट फेल का यूज करेंगे हम,
और यहाँ पर जो सा दिया गया है जो कि आपकी सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म के यहाँ पर टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर है आई सा द रेड फोर्ट लास्ट हो जाएगा, मैंने पिछले साल लाल किला देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी, मैं मतलब मैं यहाँ पर चांस की बात या मौके की बात की जाएगी तो अवसर की बात की जाएगी, मैंने अवसर को मतलब खोया नहीं। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।